जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश पूर्व निर्धारित बैठक लखनऊ में हुई संपन्न। जिला पंचायत सदस्य सही मायने में जनता का सबसे बड़ा सेवक होता है। कमलेश पांडे। जिला पंचायत सदस्य वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की पूर्व निर्धारित अति महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश अध्यक्ष नीरज इंसान एडवोकेट की अध्यक्षता में लखनऊ के तेलीबाग के APS लोन में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष नीरज इंसान ने कहा कि जिला पंचायत का सदस्य 50,000 से ऊपर मतदाताओं के द्वारा चुना जाता है। क्षेत्र में सदैव जनता के सुख दुख में लगा रहता है। जनता उसे विकास की बड़े पैमाने पर उम्मीद करती है, लेकिन सरकार द्वारा जिला पंचायत के सदस्यों को कोई व्यक्तिगत निधि नहीं निर्धारित किए जाने से जिला पंचायत का सदस्य जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाते, जिससे जनता जिला पंचायत सदस्यों को अगले चुनाव में पूरी तरह से नकार देती है, जो कि निश्चित रूप से खेद का विषय है। प्रदेश अध्यक्ष नीरज इंसान ने कहा कि जिला पंचायत के सदस्यों की अगर 7 सूत्रीय मांग पर सरकार 9 जनवरी तक विचार नहीं करेगी तो एकजुट होकर जिला पंचायत सदस्य विधानसभा लखनऊ के सामने धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। उपाध्यक्ष कमलेश पांडे ने कहा कि जिला पंचायत सदस्यों ने आज की बैठक में यह तय किया है कि सरकार अति शीघ्र जिला पंचायत सदस्यों को 1 करोड़ की वार्षिक क्षेत्र विकास निधि, सदस्यों को 50,000 मासिक मानदेय, सदस्यों को अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति पेंशन, सदस्यों को 50,00,000 का दुर्घटना बीमा, जिला पंचायत सदस्यों के प्रस्ताव पर सुरक्षा एवं शस्त्र लाइसेंस, जिला पंचायत सदस्यों के 4 पहिया वाहन को टोल प्लाजा पर मुफ्त आवागमन हेतु पास जारी करने एवं जिला पंचायत को गांव के आबादी के अंदर कार्य करने पर लगा रोक को हटाने जैसे 7 मांगों पर विस्तार से चर्चा किया। इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश प्रभारी सुनीता चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद शहनशाह, रामबचन सरोज, अफजल अंसारी, नीरज मिश्रा, अमरेंद्र भारद्वाज, ओमपाल कुशवाहा, उत्तम सिंह यादव, एडवोकेट सुभाष यादव, विश्वजीत सिंह, प्रदीप सिंह, राजन शाही, लक्ष्मीचंद यादव, अष्टभुजा सिंह, मुन्ना अंसारी, अमरेश यादव, इंद्रमणि कनौजिया, सुरेश चंद निषाद, उदिल राजभर, फेकू यादव, कुंदन जायसवाल, अमरेश यादव, कायनात फातिमा, रेखा भारती, मोहम्मद अहमद आदि ने सरकार द्वारा मांग नहीं मांगने पर 10 जनवरी 2024 को विधानसभा पर जोरदार ढंग से घेराव करने का ऐलान किया है। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य मंगरावा रायपुर के अरशद फरीदी, श्याम कन्हैया, भूपेश सिंह, अनिता द्विवेदी, राजा राम भारती, नसीम अहमद, विवेक यादव, पप्पू यादव, अमरनाथ, अर्जुन देव प्रसाद, अरविंद प्रसाद आदि सैकड़ों की संख्या में जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। मैं अरशद फरीदी, सदस्य जिला पंचायत आजमगढ़, सदस्य जिला पंचायत वेलफेयर एसोसिएशन की लखनऊ में एक बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के हर जिले से काफ़ी सदस्य जिला पंचायत आए हुए थे और उस बैठक में ये तय किया गया कि जो हमारी 7 मांगे हैं सरकार से, अगर उसको पूरा नहीं किया गया तो हम आने वाले 10 जनवरी को 2024 को हम विधानसभा का घेराव करेंगे और उस वक्त तक ये आंदोलन जारी रहेगा जब तक ये हमारी 7 मांगे सरकार नहीं मान रही हैं। मैं एक शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हालांकि ये बरवक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए ज़िंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। जय हिंद। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।